अगर आपने हमारे YouTube चैनल द किंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाली बटन दबा दीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट खबरें आपको मिलती रहें। ये आपके सामने एक फिश एक्वेरियम है, जो छोटा सा एक्वेरियम है। बहुत से लोगों ने बोला कि घर में हम अपने एक्वेरियम कैसे रखें, फिश को कैसे अपने घर में पाले, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे अपने घर में आप जो है एक्वेरियम रख सकते हैं। और बहुत ही आसानी तरीका है, आपकी मछली भी नहीं मरेगी। जो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आप जो है अपने घर में एक्वेरियम रखिए। सबसे पहले एक्वेरियम रखने के लिए एक्वेरियम की पर्याप्त हाइट होनी चाहिए। एक्वेरियम ज्यादा छोटा नहीं, बड़ा सा होना चाहिए एक्वेरियम, और उसमें लाइट वगैरह के बोर्ड होने चाहिए। एक्वेरियम में पर्याप्त मात्रा में पानी भरा होना चाहिए। सबसे पहले एक्वेरियम में जो है ऐसे करके पत्थर अगर आपने हमारे YouTube चैनल द किंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाली बटन दबा दीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट खबरें आपको मिलती रहें। ये आपके सामने एक फिश एक्वेरियम है, जो छोटा सा एक्वेरियम है। बहुत से लोगों ने बोला कि घर में हम अपने एक्वेरियम कैसे रखें, फिश को कैसे अपने घर में पाले, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे अपने घर में आप जो है एक्वेरियम रख सकते हैं। और बहुत ही आसानी तरीका है, आपकी मछली भी नहीं मरेगी। जो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आप जो है अपने घर में एक्वेरियम रखिए। सबसे पहले एक्वेरियम रखने के लिए एक्वेरियम की पर्याप्त हाइट होनी चाहिए। एक्वेरियम ज्यादा छोटा नहीं, बड़ा सा होना चाहिए एक्वेरियम, और उसमें लाइट वगैरह के बोर्ड होने चाहिए। एक्वेरियम में पर्याप्त मात्रा में पानी भरा होना चाहिए। सबसे पहले एक्वेरियम में जो है ऐसे करके पत्थर पड़े होने चाहिए, जिससे कि जो मछली कचरा करती है वो सब इन पत्थरों के अंदर भर जाता है। अगर खाली शीशा होगा तो वो कचरा पूरा ऊपर पानी में तैरता रहेगा। फिर दूसरी बात है, पानी को साफ करने के लिए एक फिल्टर होना चाहिए। आप लोग यहाँ देखेंगे तो ये फिल्टर चलता हुआ आपको दिखाई देगा। ये देखिए फिल्टर चल रहा, ऐसा फिल्टर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिल्टर क्या है, पानी को साफ करता है। ऐसे ही मैंने दो फिल्टर लगाए हैं, एक फिल्टर मैंने यहाँ पे भी लगा रखा है, आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये चला चालू हुआ है। तो दो फिल्टर लगाए हैं, वैसे इतने बड़े एक्वेरियम में दो फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो मछली पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, ये नहीं कि इतने बड़े एक्वेरियम में 10-15 मछली डाल दी तो उतनी ज्यादा वो गंदगी फैलाएंगे। मछली 6-7-8 तक बहुत सही है, ज्यादा मछली डालने की जरूरत नहीं है। तो आपको फिल्टर का काम पता चल गया। फिल्टर क्या करता है, पानी को क्लियर करता है कि कचरा जो है अपने अंदर लेता है। जैसे कि ये जो आप फिल्टर दिख रहा है, ये एक टॉप फिल्टर है, बड़ा फिल्टर है, जिसका कि बॉक्स यहाँ पे लगा है। बॉक्स यहाँ पे होने से क्या होता है, फिल्टर का पानी जो है बॉक्स के अंदर आता है और फिर यहाँ से नीचे गिरता है पानी, और इसके अंदर जो है फोम वगैरह लगा हुआ है जो कि इसको फिल्टर करता है पानी को। और दूसरा फिल्टर आपको दिख रहा है ये, जो कि ये भी चल रहा है और इसके नीचे फोम लगा है, उसके अंदर से पानी एग्जिट होता है ऊपर से, और जो कि पानी को साफ करता है। तो मैंने दो फिल्टर लगा रखे हैं, जबकि दो फिल्टर का कोई इतने बड़े एक्वेरियम में काम नहीं है, एक फिल्टर बहुत पर्याप्त है। ये टॉप फिल्टर का काम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसको आप आसानी से साफ कर सकते हैं। दूसरी बात, अब मछली मछली को जो है दाना आप लिमिट में दीजिए। ज्यादा दाना डालेंगे तो मछलियां क्या है मरेंगी। जैसे मेरे इसमें एक्वेरियम में इतनी सारी मछलियां हैं, तो मैं इतना ही दाना दूंगा कि आसानी से वो खा सके और वो मरेंगी नहीं। ज्यादा दाना खाएंगी तो ज्यादा मरेंगी मछलियां। फिर उसके लिए जब भी आप पानी वगैरह बदली करते हैं